दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उनका कुरान उसमें बच गया, ये मालिक की दुआ है उनके लिए। बाकी जीवितानी नहीं हुई, उनको बोला यही आपके अल्लाह ताला का प्रसाद समझो और जो हो गया उसको अभी संभाल लो। थैंक यू सर। विरार पश्चिम बोलिंग नाका की दुकान में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर हुआ खाक। पवित्र किताब कुरान पाक पर आग का नहीं हुआ कोई असर। आज सुबह 11 बजे के आसपास विरार अंतर्गत बोलिंज की मनोरमा इमारत में विरार भंडार नामक गादी की दुकान में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस आग में जहां सब कुछ जलकर खाक हो गया, वहीं एक बार फिर अल्लाह की उतारी गई पवित्र किताब कुरान पाक को आग ने छुआ तक नहीं। इससे पहले भी कई ऐसे मौक़ों पर यह सुना और देखा गया है कि अल्लाह की अपने रसूल के ऊपर आसमान से उतारी गई पवित्र कुरान पाक ने इसी तरह चमत्कारिक तरीके से खुद अपनी हिफाजत की हो। आपको बता दें, आज सुबह मनोरमा नाम की इस बिल्डिंग में नीचे गादी की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। गादी की दुकान होने के चलते कुछ ही समय में आग ने काफ़ी विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते आग के शोले बिल्डिंग में ऊपर तक उठने लगे। आग लगने के 15 से 20 मिनट में ही फायर ब्रिगेड और मौके पर पहुंच गई और आग को काबू में किए जाने के प्रयास शुरू कर दिए। फायर कर्मियों ने बिजली कर्मी की मदद से बिल्डिंग में कोई हताहत नहीं हो इसलिए तुरंत बिल्डिंग की बिजली काट दी। फायर ब्रिगेड के घटना स्थल पर पहुंचने से पहले स्थानिकों ने भी बड़ी ही मुस्तैदी से आग को काबू में करने की हर संभव कोशिश की। इस अग्निकांड में किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन दुकान मालिक का सभी माल जलकर खाक हो गया, जिससे दुकानदार को काफ़ी गहरा धक्का पहुंचा। आग को बुझाए जाने के बाद दुकान में रखी पवित्र धार्मिक किताब कुरान पाक को देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। दरअसल ऐसा खुली आंखों से देखने में तो कुरान पाक भी एक सामान्य कागज़ की किताब है, जिस पर अरबी जबान में अल्लाह का पैगाम लिखा गया है। जो किताब भी दूसरे हर सामान की तरह जल जानी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि पवित्र कुरान सिर्फ कोई कागज़ की किताब मात्र नहीं है, बल्कि अल्लाह के अपने नबी के ऊपर आसमान से उतारी गई किताब है। इस्लामी मान्यता है कि जो कोई इंसान प्रतिदिन पवित्र कुरान पाक की तिलावत करता है, मतलब कुरान का पाठ करता है, उस इंसान को जल्दी आग का असर नहीं होता है। तो वहीं कुरान पाक खुद कैसे आग में जल सकती है, देखिए इस घटनाकांड की यह खास रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट से। क्या कहेंगे आपकी घटना के बारे में? जब 11:30 के भीतर हमको मालूम पड़ा कि इधर आग लगी है, पूरा गांव का पब्लिक जमा हो गया, जितना हेल्प करना है उसको। तो फायर ब्रिगेड भी आई थी, फायर ब्रिगेड ने पूरा आग कंट्रोल में कर दिया है, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ है। 8-10 लाख का ज़्यादा नुकसान हुआ होगा और सब BMC के भी सब कर्मचारी आके कंट्रोल में आ गए। आग ने क्या कुछ कारण पता चला? शॉर्ट सर्किट इनका मानना है, शॉर्ट सर्किट हुआ है और इन्होंने फायर ब्रिगेड को बाटला था उसे बुझाने का तकलीफ ही किया उनके वर्कर ने, लेकिन नहीं बुझाया, आग फैलते गया। अच्छा हो गया तो ऊपर भी 60-70 आदमी, 60-70 एज का की लड़की है, इनका मदर था, उनको भी नीचे लेके आए, अभी जीवित हानि नहीं हुआ है। आप उस दुकान के मालिक है सर जी? कितना नुकसान हुआ है? 8-10 लाख तक हुआ है, 5 लाख 5.5 लाख तो कर्जा हमारे ऊपर। ये कुछ कारण पता चला आग लगने का? शॉर्ट सर्किट हुआ है। सुबह में हम लोग दुकान खोले, हमें कस्टमर में गया था गाड़ी लाने को, इधर आए तो आग लगा हुआ था। तो फायर ब्रिगेड कितने देर में आया सर? फायर ब्रिगेड आया था 10-15 मिनट में आ गया था, पर लोगों ने भी काफी हेल्प की आपकी, लोगों ने काफी हेल्प की, पूरे गांव वालों ने मदद किया। अजय जी सर, आप इस क्षेत्र के माजी नगर सेवक है, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? इन लोगों ने अभी बताया 11:30 बजे मालूम पड़ा, जिसने भी पहले देखा तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया, कॉल करने के बाद वो लोग अपने टाइम से पहुंचे, पहुंचने के बाद उन लोगों ने बुझाने का प्रयास किया, नहीं बुझा ही दिया, लेकिन ये जो शॉप है ये गादी की है, गादी बोलेगा तो उसमें क्या होता है, पंच कापूस और सब जो कपड़े है वो सब कैसे होते हैं आग के लिए पोषक है, उसकी वजह से आग बहुत सारी लग गई। जो दो गाड़ियां मंगाने के बाद भी बुझने का कोई चांसेस नहीं था, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया, उन लोगों के बावजूद मतलब अग्निशमन के जितने भी है सब लोग देखिए लाल लाल हो गए टोमेटो जैसे, क्योंकि इतना हीट
बन गया था अंदर। उसके बावजूद हमारे गांव वाले जो कार्यकर्ता है उन्होंने 10-15 लोगों ने भी बहुत सारा सामान बाहर निकालने के लिए हेल्प किया। अगर वो नहीं निकलता तो बाद में आग लगने का दोबारा चांसेस था। फायर वाले का ऐसा कहना था कि आग फिर लग सकती है क्योंकि उसमें धुआं निकलते जाएगा, फिर जलने का चांस था। पीछे उनका गोडाउन था शॉप को लगती, और वो डोर जो था उनका कल या परसों ही कुछ माल आया था। वो बोलते बहुत सारा माल उन्होंने अभी लोड किया था, दिवाली वगैरह त्योहार आया है, बाद में क्रिसमस भी है, सारे त्योहार के हिसाब से उन्होंने माल बहुत सारा कल या परसों भरा था, और गोडाउन के डोर को टच रैक था, उसकी वजह से वो डोर खुल नहीं पाया और वो सारा सामान उसका जल रहा था। हम गांव वालों ने, फायर वालों ने बहुत प्रयास करके वो डोर भी तोड़ दिया, लेकिन उनका जो नुकसान होना था वो हो गया। उनका शुरू में कहना था कि 5-6 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी उनको पता चला आग लगी तो उनका माइंड तो काम नहीं कर रहा है। अभी उनको पता चला कि उनकी सारी मशीनरी थी और जो जो माल था, तो आज बहुत बड़ा 8-10 लाख तक नुकसान है और उसमें इनका कोई इंश्योरेंस भी नहीं है। अभी हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे उसको मदद मिले, कोई संस्था दे, अपना नगर पालिका है, तहसील है, तो हम सारे गांव वाले और सब पक्ष के लोग मिल के उनको कोई हेल्प, बहुत सारी मदद नहीं मिल सकती हम जानते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं डूबने वाले को तिल के गांव, वो हिसाब से हम उनके लिए प्रयास करेंगे। पर्सनली कुछ होएगा तो भी करेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, उनका कुरान उसमें बच गया, ये मालिक की दुआ है उनके लिए। बाकी जीवितहानी नहीं हुई, उनको बोला यही आपके अल्लाह ताला का प्रसाद समझो और जो हो गया उसको अभी संभाल लो। थैंक यू सर। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।